रास्ता देखा है ना तुम ब्रह्मजोनी का? तुम रोज आता, तुम हमेशा आता जाता है? अच्छा, हमेशा आता जाता है। कि गाइस, तो हम निकल चुके थे एडवेंचर पे ब्रह्मजोनी के, और मेरे को लीड कर रहा है ये बच्चा रोशन। ठीक है, मस्त बंदा है, मस्त रहता है। वो मेरे को चढ़ना ऊपर, वो मेरे सामने दिख रहा है जो पहाड़ है। ठीक है, तुमको भी दिखाता हूँ, जो सामने पहाड़ दिख रहा है हमें उसी पे चढ़ना है। ठीक है, और सबसे ऊपर है वो जो टेंपल है। ओके गाइस, तो एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है हमारा, हम आ चुके हैं स्टेयर्स पे। ठीक है, और स्टेयर्स चढ़ना भी शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे कितना कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे? 440। ये लोकल बच्चे बोल रहे हैं 440 स्टेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और अभी से देख के मेरी हालत ख़राब हो रही है, बिकॉज हाँ चला जाऊँगा, बिकॉज ये 440 तो ठीक है, ये काफ़ी खड़ा है, खड़ा से चढ़ाई यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कितनी दूर तक मैं कर सकता हूँ, बट टारगेट यही है कि मेरे को 440 चढ़ना है। टाइम हो रहा है 2:52, मेरे को लग रहा है मैंने 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, और पैर दर्द कर चुका है मेरा। Oh, fuck. भाई चैलेंज गलत तो नहीं ले लिया मैंने? ऊपर चढ़ूंगा तभी रेस्ट करूंगा 5 मिनट। मैंने ऑलमोस्ट 50 सीढ़ियां चढ़ी हैं, और 50 सीढ़ियों में लग रहा है कि हालत हो जाएगी ख़राब। ठीक है, रियली टफ। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि तो स्टेयर्स है, ऊपर से ऑलरेडी पहाड़ पे है, तो 404 सीढ़ियों में कितनी हालत ख़राब होगी ऊपर पहुंच के ही पता चलेगा। आई थिंक 100 स्टेयर्स भी मैंने क्रॉस नहीं करे और हालत ख़राब हो चुकी है। 52 पे निकला था मैं, देखता हूँ और कितना टाइम लगता है। चलो फिर शुरू करते हैं। ब्रह्मजोनी का ये ट्रिप भी अचानक से था, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं शूज़ पहनूँ, फिर से स्लीपर पहन के आ गया हूँ, और अभी मैं अकेले हूँ यहाँ पे, सारे ऊपर वेट करूँगा मेरा। ऑलरेडी 8 मिनट हो चुका है, और यहाँ के बच्चे तो 8 मिनट में पूरे स्टेट चढ़ जाते हैं। मैं तो भी आई थिंक 100-200 के आसपास पहुँचाऊँगा, अभी जितना चढ़ा है ऑलमोस्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। जय माता दी। तो फाइनली हम आ गए हैं 404 सीढ़ियाँ चढ़ के ऑलमोस्ट। यहाँ पे मंदिर है, और बाकी मेरे दोस्त दिख नहीं रहे, वो लोग यहीं होने चाहिए थे, पता नहीं कहाँ है वो लोग। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा नीचे जाऊंगा यहाँ से, और फिर देखते हैं वो लोग बीच में शायद कहीं है रास्ते में। सीम्स लाइक कमिंग हियर वॉज अ बैड डिसीजन। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, मैं वहाँ से बोला चलता हूँ दोस्तों को ढूंढने, 10 सीढ़ियाँ उतरा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आके सो गया हूँ। हवा बढ़िया चल रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है,
मैं सोचा था कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करेंगे, बट मेरे मन का नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, पूरा पैर दर्द कर रहा है। और मैंने अभी बीच रास्ते में पानी पी लिया था तो पेट में भी दर्द सा हो रहा है, और मैं तुरंत खा के निकला भी था। थोड़ा सा अनप्लैंड सा था इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ, और प्लान करके आया होता तो टाइम से खाता भी और ऊपर भी आता। रुकते रुकते मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कितना चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, कहाँ कैसे रुक सकते हैं, कोई आइडिया नहीं था। तो मैं लगातार चढ़ता गया, बीच में वही एक या दो बार पाँच मिनट के लिए रुका हुआ था, ठीक है। बट अब वापस नीचे जाना स्टार्ट करूँगा मैं, और चीज़ों का तो पता नहीं। ये मंदिर इतनी सुंदर जगह पे है, लाइक द ब्यूटी इज़ सो मेसमराइजिंग, यू जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द ब्यूटी। बहुत ही प्यारा है, बहुत शानदार नज़ारे हैं यहाँ से, और कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है यहाँ से। और भी बहुत सारे पहाड़ हैं साइड में, ठीक है। ये मस्त है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मूड रिफ्रेश हो गया मेरा। और यहाँ सोने के बाद तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, ज़रूर पैरों में दर्द हो रहा है अब, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा तो थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैं वापस नीचे की तरफ जा रहा हूँ। धीरे धीरे सब बता रहा हूँ, थकान थोड़ी सी दूर हुई है लेकिन पैर में दर्द दूर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि शायद जैसे जो जिम जाता होगा तो जिम में जब लेग डे होता है, लेग डे के बाद जो पैरों की हालत होती है ना कि नहीं अब नहीं हो रहा, वैसे से हालात हो चुके हैं मेरे पैर के। और पहली बात, अगर तुमको आदत ना हो तो 40 सीढ़ियाँ चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ है ये, तो इसका ढलान भी ऊपर साइड की तरफ है ऑलरेडी, ठीक है। तो उतरने में थोड़ी सी दिक्कत कम है ज़रूर, लेकिन तुम्हारा पैर ऑलरेडी थक चुका है। फाइनली हम आ चुके हैं ऊपर, ठीक है, और शानदार जगह था। हुआ क्या कि मैं निकलने वाला था तो दोस्त का फ़ोन आ गया, उसने बोला कि नहीं हम लोग ऊपर ही है। तो मैं वापस ऊपर आया हूँ और मैं झाड़ियों में घुसते हुए जा रहा हूँ उनके पास। ओ भाई क्या रास्ते हैं, सूजना पहन के आना। आओ 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 आओ, रास्ते हैं कि क्या है, पहले 440 सीढ़ियाँ फिर ये रास्ते। हो सही है, खतरनाक। पीछे के रास्ते ऐसे हैं कि अगर तुम स्लिप किए तो सीधे नीचे। ओ भाई मजा आ रहा है, भाई मजा आ गया। हाँ बढ़िया हुआ मैं गिम्बल लेके नहीं आया यार, ढूंढने में हालत खराब हो जाती है उसको। मैं कहा फोन हाथ से करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग जितना हो पाया। अरे गिम्बल भी हैवी हो जाता ना यार। आ गया तू? अरे बताओ आ गया। ये इस बंदे ने मेरे को रास्ता दिखाया था, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। फाइनली ये भी ऊपर आ चुका है। हाँ अरे बहुत बढ़िया यार भाई, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी, पूरे टाइम मुस्कुरा रहा था एकदम, ये हंसता रहता है पूरे टाइम, हंसता रहता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे नीचे, वो दिखा था पत्थर में। हाँ हाँ वहाँ वाला कौआ दौड़ पहाड़। कौआ दौड़ पहाड़ कौन सा पहाड़ है? कौआ दौड़ पहाड़। कौआ दौड़ पहाड़ है। काफी अमेजिंग तरीके से ये जो पत्थर है, एक पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है,
देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक लात मारोगे तो गिर जाएगा, बट लगता नहीं कि ऐसा वो गिरने लायक है, काफी मजबूती से खड़ा है, है ना। पिछले 900 सालों से खड़ा है, पिछले 900 सालों से ये पत्थर खड़ा है वहाँ पे। चलते हैं थोड़ा पास से एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो दोस्त से गया था, मैं कहता हूँ गया में बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, वही तो। हाँ, गया का तो इतिहास पुराना है, इसमें कोई वो दो राय थोड़ी ना, क्योंकि अशोक से रिलेटेड है। हाँ हाँ हाँ, वो होता है, टाइम रहता ना तो इसके अंदर आप लेके जाओ उधर निकल जाओ। ये रही ऐसा भी क्या, ये छोटी सी गुफा है, लेके निकल जाना। मेरी हालत नहीं था, खा लिया मैंने, क्या झुका ना, लेट टू जाना, लेट टू है ऐसे या ऐसे कैसे भी लेट के जाओ, बस ये मोटा निकल जाएगा। जाके दिखाओ यार पहले, अरे पहले कोई जाके दिखाओ यार, मेरे को इतना आदत नहीं है यार। इसमें आदत के फैल जाओ, लेट जाओ, लेट फैल जाओ, लेट ना बस, और नीचे बह जाओगे नीचे। मैं गया तो था थोड़ी देर पहले, बस निकल गया, हो गया। वीडियो बनाते रहो, मैं निकलता हूँ यहाँ से, घुसे तो वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ये गुफा में घुसते हुए अभिषेक भाई, लेफ्ट से जाना, लेफ्ट से, ये लेट टू निकले, एकदम आराम से कर लो, भाई निकल गया। भाई बढ़िया था, एकदम मजा आ रहा है। ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं शायद, ठीक है अब हम चलेंगे इधर। रास्ता कहाँ से इसका, आगे से रास्ता, आगे से ना, ये रहा, ये रहा, कौन सा वाला पहाड़ था, कौवा दौड़ पहाड़। अरे भाई अभी ये वो पत्थर है बहुत ही पुराना, जिसकी तलाश करते करते हम पहुंच चुके हैं। कब के राजा मान सिंह, तो ये राजा मान सिंह के टाइम का ये पत्थर है। जो रास्ते बने ना, हाँ पत्थर तो पुराना होगा, ये जो रास्ता बना और ये जो मंदिर बना है, हाँ ये राजा मान सिंह ने बनवाया। अच्छा, तो ये कहाँ गिरेगा भाई, ये पत्थर गिरने वाला है तो हिल तो रहा है, चढ़ दूंगा भाई, इस पे चढ़ पाएगा, इसके ऊपर कहाँ जाएगा, यहाँ तक तो जाऊंगा। पूरा व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ से, और इस पत्थर की खासियत ये है, सच बता रहा हूँ, इस पत्थर की खासियत ये है कि ये बस यहाँ पे बड़े वाले पत्थर पे खड़ा है, ये नीचे पहाड़ पे खड़ा है, इसके इधर पूरा गैप है, फिर उस कोने में खड़ा है, बाकी यहाँ पे भी गैप है। तो ये सीरियसली इतना अमेजिंग है कि ये पत्थर वहां और यहाँ खड़े होके हिल भी नहीं रहा और गिरने के तो चांसेस मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और जैसा अगर हम यहाँ के लोकल्स की माने तो ये राजा मान सिंह, राजा मान सिंह के जमाने का है ये पहाड़ और ये मंदिर जो है, पहाड़ तो चलो बहुत पुराना है लेकिन जो मंदिर बना हुआ राजा मान सिंह के जमाने का है, तो इसका मतलब पत्थर बहुत ही ज्यादा पुराना है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ठीक ठाक है, बड़ा है, थोड़ा सा रिस्की भी है, मैं काफी किनारे पे आके खड़ा हुआ हूँ। अब जो है स्टेयर्स से नहीं जा रहे, जो सीढ़ियाँ थी उससे नहीं जा रहे, वापस हम जंगल के रास्ते से अंदर से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और इधर कोई बाघ का गुफा भी, बाघ का गुफा है इधर कोई, अच्छा इधर इधर कोई आगे बाघ का गुफा भी है, अगर बाघ से सामना हुआ तो भाई दुआओं में याद रखना, देखते हैं क्या बाघ का गुफा सच में सही है या नहीं। थका देने वाला था लेकिन जब से दोस्त लोग मिले तब से मज़ा आ रहा है, मैं काफ़ी थक चुका था लेकिन अब लग रहा है कि मज़ा आ रहा है। तो ये मेरा दोस्त संजीव, हाय, ये बढ़िया आदमी है, और ये मेरा दोस्त, इधर नहीं है ना, उस तरफ है वो बाघ का गुफा, बाघ का गुफा उधर है क्या, अच्छा उधर है, चलो कोई नहीं, बाघ का गुफा उधर कहीं पहाड़ के बीच में, थोड़ा सेफ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल में बाघ बाघ है वो अभी भी जंगल में, कुछ पता नहीं क्या दे सकते, हाँ यार जंगल का पता नहीं, क्या यहाँ पे चरण है, ये राम जी का, ये भगवान राम का चरण है, वहाँ तो और दिखता है राम, तो ये है लाइव दर्शन भगवान श्री राम का चरण, जय करो सब, जय श्री राम, जय श्री राम, और वो
वो नहीं वाला। अच्छा वो बनाया हुआ है, ये नेचुरल है। अच्छा और उसका मतलब आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। शाद करने आए थे तो मैं भी यहीं पे आके रेस्ट वगैरह कर रहा हूं। अच्छा जब वो आए थे यहाँ पे शाद करने, हाँ हाँ फाल्गुन नदी में, फाल्गुन नदी, हाँ हाँ फाल्गुन, सबको पता ही है फाल्गुन नदी वाली। तो यहाँ आए तो वही यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूं उनके चरण के दिशा में। अच्छा इतिहास तो बहुत पुराना है यहाँ का। वापस हम आ चुके पहाड़ों के रास्ते पर, ठीक है, और हम निकल चुके घर की तरफ। और घर पहुंचते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि पैरों में हो गए हैं दर्द, वो भी बहुत गंदा दर्द है। मार्केट जाना है भाई, मेरी हालत नहीं है मार्केट जाने की, पैर में दर्द हो गया। आई विल ट्राई भाई लोग, मेरे मान का नहीं है। 440 सीढ़ी चढ़ाकर बोलो मार्केट भी जाना है। ठीक है, तो ये काली जी का मंदिर जो है 220 सीढ़ियां उतरने के बाद मतलब एकदम बीचों बीच में है, ठीक है, जय माँ काली। और पीछे जो ये जो स्टेयर्स वाला वो जो दिख रहा है ना, उसमें हनुमान जी का है छोटा सा मतलब मूर्ति रखा हुआ है। 5 से 6 मिनट में लोग चढ़ जाते हैं भाई, मेरे को 16 मिनट लगा है। हाँ वही तो, प्रैक्टिस का है ना, इन लोगों को प्रैक्टिस हो गया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीचे, यहाँ से हम सीधे पहुंचेंगे घर। मेरे पैर में हो गए दर्द, थोड़ा सा आराम करेंगे फिर सब्जी लाने जाएंगे शायद, अगर मेरी हिम्मत रही तो, ठीक है। और मेरे को लग गया था 16 मिनट 440 सीढ़ियों के ऊपर पहुंचने पे। बड़े ने यार था, बढ़िया मज़ेदार व्यू था। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो मैं चाहे हिस्ट्री पढ़ा था गूगल पे, तो पता चला कि भगवान बुद्ध ने फायर सेरमोन प्रीच किया था यहाँ पे अपने डिसाइपल्स को, ठीक है, और उस प्रीचिंग के बाद से ये काफ़ी फेमस हुआ। और मंदिर तो नो डाउट काफ़ी सुंदर है यहाँ पे, है ना। क्या हुआ कि अचानक से रोशन को रास्ते में चलते हुए पैर में कांटी का टुकड़ा लग गया था, घुस गया था, जो कि काफ़ी अंदर घुस गया था, तो उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। तो हम उसको लेके आए टेटनस का इंजेक्शन लगवाने, थोड़ा सा डर रहा है, बट देखते क्या होता है। 2 दिन तक टाइट रहेगा, दर्द नहीं करेगा, बस टाइट रहेगा। हाँ जहाँ पे लगेगा टाइट हो गया, बट दर्द नहीं करेगा। हाँ हाँ खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इधर इधर हो गया, बस हो गया। बहादुर है, बहादुर। ओहो बस खत्म, बस हो गया भाई, हो गया। सो फाइनली हम आ चुके हैं वापस, बस बहादुर बच्चे ने लगवाया इंजेक्शन, अभी भी मुस्कुरा रहा है टेटनस इंजेक्शन, अभी भी मुस्कुरा रहा है एकदम, बहुत ही बहादुर बच्चा है ये, ठीक है। और मैं वापस घर आ चुका हूँ, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और तुम लोग अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो मेरे को, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है। और अगर संजीव सर के क्लासेस देखना चाहते हो अकाउंट्स के, तो इनके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, इनकी वीडियो देख लेना। और अगर तुम अशोक नगर के आसपास रहते हो तो इनका इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करो, संजीवगिरी क्लासेस, संजीवगिरी क्लासेज है, ठीक है। चलो फिर भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं तुम लोग से जल्दी, बाय बाय।